Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मंचूरियन. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान इन्हें बनाना. गर्मा गर्म आप ग्रेवी मंचूरियन, फ्राइड राइस या फिर नूडल से सर्व करें. तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. हमने यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है, इसके साथ हमने ये फूल गोभी लिया है, दो टुकड़े फूल गोभी के हैं, और गाजर एक टुकड़ा है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है. और इसके अलावा शिमला मिर्चा, इसमें से आधा शिमला मिर्चा हम लेंगे, और दो मीडियम साइज के प्याज है. कुछ तो हम इसके ग्रेवी जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा एक चम्मच लेंगे, बाकी का वेजिटेबल में जाएगा मंचूरियन बॉल में. तो इसको हमें महीन महीन काटना है. नाइफ के मदद से आप महीन महीन काट लें या फिर कद्दूकस कर लें सबसे अच्छा है. नहीं तो इलेक्ट्रिक इस तरह से चॉपर हो आप उसमें कट कर लें, काफी महीन और अच्छा कटता है. तो हम इसमें काटेंगे आज इसको. तो सबसे पहले हमें प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काट करके इसमें डाल देना है. मंचूरियन बनाने में जो भी आप वेजिटेबल ले रहे हैं बस उनको हमें ध्यान रखना है मंचूरियन बॉल बनाने में कि सब्जी की कटिंग काफी महीन होगी तो आपका मंचूरियन काफी अच्छा बनेगा. तो सबसे पहले हमें प्याज काफी अच्छे से ये इसमें महीन हो जाता है. अब इन्हें हमें एक बॉल में डाल लेना है और इस प्याज में से हमें एक से दो चम्मच निकाल लेना है ताकि हम जब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो ग्रेवी के लिए हमारा ये प्याज कटा हुआ मिल जाएगा. अब इसमें हमें ये पत्ता गोभी, इन सारी सब्जियों को हमने पहले से धुल करके इनका पानी ड्रेन कर लिया है. इनको अच्छे से धुलने के बाद ही आप इसको सुखा थोड़ा सा साफ कपड़े से इसका पानी मॉइस्चर हटा लें. अब ये पत्ता गोभी को भी हमें इस तरह से इसको चॉप कर लेना है. अब ये पत्ता गोभी भी हमारा चॉप हो गया है, इसको भी डाल लेंगे इसमें. सारे वेजिटेबल हमारे अच्छे से काफी महीन ये हमारी सारी सब्जियां कट गई हैं. इस तरह से ये सारी सब्जियां हमारी चॉप हो गई हैं. अब इसमें हमें एक चम्मच नमक मिला देना है और नमक मिला के हमें अच्छे से इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है ताकि ये सब्जियों का जो पानी है वो मॉइस्चर ये छोड़ देगा नमक डालने के बाद. और फिर इसको हमें निचोड़ लेना है अच्छे से किसी साफ कपड़े पे या छन्ने में रख करके इसको हाथ से प्रेस करके हमें इसका पानी ड्रेन कर लेना है पूरा. नमक डालने के बाद सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं क्योंकि मंचूरियन बना रहे हैं तो मंचूरियन में पानी नहीं होना चाहिए. जो भी आप सब्जी वेजिटेबल ले रहे हो, चाहे सिंगल सब्जियों से आप बना रहे हो मंचूरियन, तो उसका पानी आपको इस तरह से नमक डाल करके छोड़ देंगे तो पानी छोड़ देगा. फिर उसको आप साफ कपड़े से निचोड़ लें. तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपसे. 20 मिनट हो गया है सब्जियों को नमक मिलाकर के छोड़े हुए. अब इन्हें हमें एक साफ कपड़े में इस तरह से हमें इन सब्जियों को डाल लेना है. कपड़ा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कपड़ा साफ होना चाहिए आपका. इस तरह से हमें उठा लेना है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्रेस करते हुए इन्हें दबाते हुए और सब्जियों में से सारा पानी हमें निकाल लेना है. देखिए काफी मात्रा में ये पानी निकल रहा है. नमक मिलाने के बाद सब्जियों के अंदर का पानी जो रह जाता है वो निकल जाता है. इन सब्जियों के पानी को हमें फेंकना नहीं है. आप चाहें जब मंचूरियन की ग्रेवी बना रहे हैं आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर में चपाती या कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ग्रेवी के लिए इन पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप. बस हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है, तो नमक की मात्रा आप अपने
रेसिपी के हिसाब से डालें। छोटी छोटी बातें हैं, रेसिपी में आप ध्यान रखेंगे तो वो रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। जैसे मार्केट में हम लोग मंचूरियन खाते हैं, इस तरह से इतना सारा पानी इसमें निकल गया है, अब इनको हमें हटा लेना है और फिर उसी बॉल में हमें इनको निकाल लेना है। देखिए काफ़ी मात्रा में पानी निकल करके ये काफ़ी सूखा सूखा ड्राई हो गया है और इसी इसमें हमें चाहिए था ताकि हमारे मंचूरियन काफ़ी अच्छी बने। पानी काफ़ी हमारा ड्राई हो गया है, अब इसका बॉल बनानी है हमें। और बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 3 से 4 चम्मच हरी धनिया कटा हुआ डाल देंगे और इसके साथ हरी प्याज महीन कटी हुई 3 से 4 चम्मच डाल देंगे और हरी मिर्च महीन कटी हुई 3 से 4 चम्मच और इसके अलावा इसमें भुना हुआ जीरा पिसा हुआ जाएगा 1/2 चम्मच, नमक जाएगा इसमें, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी निकालने के लिए वेजिटेबल का हमने नमक का इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हमने नमक लिया है। और इसके अलावा इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 चम्मच, कस्तूरी मेथी जाएगा 1/2 चम्मच, इसमें मैदा 2 चम्मच जाएगा और इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा। इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले दूसरी साइड में हमें तेल को गर्म करने के लिए रख देना है ताकि हमारी बॉल मिक्सर मिक्स करके तैयार हो जाए और हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो तेल हम दूसरी साइड में रख दे रहे हैं गर्म होने के लिए। एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे ताकि इन सभी को मिक्स करने में हमें आसानी रहे और अपने हाथों के सहारे अच्छे से मसलते हुए इनको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे थोड़ा सा आप चख लें, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें नमक मिलाना है इसके बॉल में तो आप नमक मिलाएं। देखिए कितना सूखा सूखा हमारा ये वेजिटेबल मंचूरियन का वेजिटेबल तैयार हो रहा है। इसकी बॉल हमारे मनचाहे आकार में होगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो ये ढीला नहीं है, फिर ये बॉल बनाने में आसानी रहता है। और ये हमारा मिक्स हो गया है, अब इसकी हमें छोटी छोटी बॉल बना लेनी है। आप चाहें तो इतनी छोटी बनाएं या इससे भी बड़ी भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे ये साइज रखेंगे इसकी ताकि खाने में आसानी रहे और तेल भी हमारा दूसरे साइड में गैस पे गरम हो रहा है इसको डीप फ्राई करने के लिए। इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मंचूरियन काफी अच्छा लगता है खाने में। आप इसको चपाती से या फिर आप ऐसे ही बिना चपाती या बिना चावल के भी खा सकते हैं, बच्चे काफी पसंद करते हैं इसको बिना चपाती या चावल के ऐसे ही खाना। इस तरह से छोटी छोटी एक साइज में बॉल बनाएंगे तो सर्व करेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे मेरे कुकिंग में नए हैं वो जरूर ट्राई करें और आपकी रेसिपी मंचूरियन की कैसी बनी हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। आप सभी के कमेंट्स को पढ़ना और आप सभी के कमेंट्स प्यार जो मिलता है कमेंट्स के जरिए हमें, उससे हमें हौसला भी मिलता है ताकि मैं एक नई से नई रेसिपी लेके आऊँ आप सभी लोग के सामने, या कोई और रेसिपी हमसे सीखनी है तो आप जरूर हमें बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं बहुत ही आसान तरीके से जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोगों को समझाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे कुकिंग में नए होते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है सामानों की, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं बहुत ही आसान शब्दों में उन बच्चों को मैं अपने समझा सकूं जो बच्चे मेरे कुकिंग में नए हैं। इस तरह से इतनी सारी बॉल हमारी बन गई है, अब इसको हमें डीप फ्राई करना है तो आइए हम डीप फ्राई कर लेते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक करके हमें बॉल को तल लेना है। अभी हमें इनको छूना नहीं है 1 मिनट के लिए, जब नीचे का थोड़ा सा कलर आ जाएगा तब हमें इनको छूना है, अभी नहीं, हमें थोड़ा सा घुमा लेना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से हमें इनको चला लेना है। 8 से 5 मिनट में ये लाइट गोल्डन कलर में हो जाएगा तब हमें इनको निकालना है। घर की ही सब्जियों से घर के ही सामान से बाहर मार्केट के जैसा मंचूरियन वेज मंचूरियन हमारा तैयार हो रहा है।
थोड़ा सा हमें इनको पलट लेना है ताकि चारों तरफ से एक लाइट कलर आ जाए। मंचूरियन बॉल जब भी आप बना रहे हो थोड़ा सा अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसकी बॉल को बनाएं और थोड़ा साइज छोटा रखें क्योंकि ये तलने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है और जब आप ग्रेवी में डालेंगे थोड़ा सा और फूल जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बॉल की साइज थोड़ा छोटा रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है और ये मंचूरियन बॉल में कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इस स्टेज पे हमें इन सारी बॉलों को निकाल लेना है कि अच्छा कलर आ गया है। और इस पैन में का तेल हमें कम कर देना है और इसी पैन में हम मंचूरियन की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इस तेल को हमें कम कर लेना है, हमें इसमें 2 चम्मच तेल छोड़ के रखा है ताकि इसकी ग्रेवी तैयार कर सके। तेल हमारा गर्म है। अब इसमें हमें 6 से 7 हमने महीन कटा हुआ लहसुन रख लिया है इसकी ग्रेवी के लिए, तो 6 से 7 महीन कटा हुआ लहसुन है और इसमें 2 चम्मच महीन कटा हुआ प्याज, इनको हल्का सा भून लेना है। प्याज में ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए इतना हमें भूनना है। अब इसमें हमें महीन कटा हुआ हरा मिर्चा डाल देंगे। हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को महीन काट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर तीखा काफ़ी पसंद करते हैं तो इसमें इसकी मात्रा बढ़ा लें। अब इसमें 1 चम्मच महीन कटा हुआ हरी प्याज डाल देंगे और इसके साथ टमाटो केचप डालेंगे 2 चम्मच और इसमें सेजवान सॉस डालेंगे 1 चम्मच। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा आप 1 से 2 चम्मच कर लें। इसमें पानी डाल देना है, पानी आप अपनी मंचूरियन की बॉल के हिसाब से डालेंगे। अगर आप गाढ़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम डालेंगे, अगर गाढ़ा थोड़ा सा आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी की मात्रा आप इसमें बढ़ा देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने से मंचूरियन का ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। 1 चम्मच विनेगर जाएगा, वाइट विनेगर। 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेजवान सॉस या हरी मिर्च की भी मात्रा, आप तीखा पसंद करते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लें। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में घोल करके घोल लिया है और इसकी ग्रेवी में हमें इसकी थिकनेस के लिए डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 कप पानी में। इन्हें हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें मिक्स करना है। एक उबाल आ रहा है हमारे इसी ग्रेवी में, मंचूरियन की ग्रेवी में एक उबाल आ रहा है तब इसमें हमें डालना है। ये देखिए पानी बॉइलिंग स्टेज पे है इसका, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालते जाना है और इन्हें मिक्स करते जाना है। अब इन्हें हमें बराबर थोड़ा सा चला लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला है वो अच्छे से इसमें पक जाए हमारी ग्रेवी में और इसका फ्लेवर और स्वाद काफ़ी निकले। देखिए लग रहा है ना मार्केट जैसा मंचूरियन। आप चाहें तो इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे इसका कलर थोड़ा रेडिश हो जाएगा। अब इसमें हमें हरी प्याज डाल देनी है थोड़ा सा और हरी धनिया महीन कटी हुई डाल देंगे और ये जो बॉल हमने तल करके रखा है एक एक करके हमें इसको भी डाल देना है और गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। आप ग्रेवी तैयार करके रखे रहे, बॉल अलग तैयार करके तल करके रख ले और जब आपको सर्व करना है तभी आप ग्रेवी में डालें तो जो बॉल का क्रंच है वो आपको मिलेगा। इस तरह से ये हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है, वेज मंचूरियन। और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा और हो जाता है। इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें तो खाने का मजा ही आएगा और जब भी आप इसको सर्व कर रहे हैं तो बॉल उसी वक्त डालें जब आपको खाना है ग्रेवी में, तो ग्रेवी आपकी गर्म हो और बॉल में क्रंच हो तो आपकी मंचूरियन का स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। सुपर टेस्टी हॉट मंचूरियन तैयार है। आप इसे नूडल्स या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं। आप सभी की फैमिली को ये वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली
काफ़ी पसंद आएगी। बस इनको बनाने में कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें तो आपकी वेज मंचूरियन बहुत ही मज़े की बनेगी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, या आपने वेज मंचूरियन बनाया है तो आपकी कैसी बनी आप हमसे ज़रूर शेयर करें। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू।